भाई बहनों को, सभी जवानों को जागरूक सरकार जस के शर्मा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इससे पहले कि आज की जरूरी शुरुआत को हम करें, मैं एक मैसेज के साथ आज का ये आइटम शुरू करना चाहता हूं। लेकिन मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है, आज जो हमारे चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं उनके साथ कोई भी एक ऑफिसर साहबान, प्लीज आप में से कोई एक ऑफिसर साहबान मुझे मंच पर चाहिए होंगे। शर्मा जी, मैं चाहूंगा आप आगे, बहुत सारे बच्चे आ गए, तो हमें एक वॉलंटियर मिले हैं यहाँ से। बिलाल जी, बिलाल जी आप मंच पे आएंगे, प्लीज। बिलाल जी आपके किश्तवाड़ से हैं, ये इनकी आंखों पे पट्टी बांधेंगे। हेलो, क्या नाम है? देखिए, मेरे साथ है मिस्टर बिलाल, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे मंच पर। और ये जो आइटम है, इसे आइटम ना समझेगा, एक संदेश है आपके इस भाई की ओर से तमाम आवाम की ओर, तमाम आवाम के लिए, कि मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग आंखें खोलकर मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है, मौत हो जाती है, और व्यक्ति एक बनता है लेकिन पीछे से कई मौत हो जाते हैं। और मेरा ये प्रयास है, मैं अपने हाथ पर बनवाने जा रहा हूँ कुछ पट्टियां बांधने के बाद मोटरसाइकिल से मैं एक चक्कर लगाऊंगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कंसल्टेशन रखिए, अगर मैं पट्टी बांध कर एक चक्कर लगा सकता हूँ और भीड़ भरी सड़कों से गाड़ी दौड़ा सकता हूँ, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान ड्राइविंग के वक्त वहां रखें तो आप अवश्य ही इस दुर्घटना से बच सकते हो। आइए देखते हैं ये मैजिक। अभी बिलाल जी से रिक्वेस्ट है कि वो एस के शर्मा साहब की आंखों पे पट्टी बांधेंगे, जादू वो दिखाएंगे जिस टाइप का है, जहां से जाएंगे आगे थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिएगा और वो पूरा चक्कर लगा के आएंगे, जो चीज वहां लगी है वो थोड़ा साइड पे कर ले, वो पूरा आपके बीच से चक्कर लगा के यहाँ आएंगे। बिलाल जी पट्टी कस के बांधिएगा, कहीं खुलनी नहीं चाहिए। दो पट्टियां बनेंगी, बिलाल जी चेक कर चुके हैं। ये देखिए पूरा मास्क, बिलाल जी कसके बांधिएगा, खुलनी नहीं चाहिए। और दूसरी उसके ऊपर व्हाइट, व्हाइट के ऊपर ब्लैक, वहां से थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिएगा, उनको वहां से आना है। पट्टियों के ऊपर पूरा मास्क और उसके ऊपर एक और पट्टी, दिखने का चांस है कोई नहीं है। अब ये गाड़ी बाइक लेके जाएंगे आप लोगों के सामने से, जादूगर साहब के लिए बता दूं कि इन्होंने इंडिया के अलावा बाहर विदेशों में 45 दिन में 260 शो किए हैं। चलिए आइए सर, मैं लेके जा रहा हूं भाई के पास। सीढ़ियां नाम है, अभी आप सबके सामने आएंगे, आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कैमरा फॉलो करेगा इन्हें। ये यहाँ पे और बाइक ऑन कर दिया हमने, अब थोड़ा साइड पे आएंगे फोटोग्राफी, थोड़ा साइड से भैया, रिस्क है, आगे मत आना, सबका रिस्क अपने हाथ में। आप लोगों के बीच में से जा रहे हैं एस के शर्मा साहब, देखिए पूरा लहू लगा के आएंगे, पूरा लहू लगेगा इनका।
आंखों पे पट्टी बांध के पब्लिक के पीछे से होके आएंगे। इन्होंने विदेशों में 45 दिन में 160 शो किए हैं। आगे से हट जाइए, उनके लिए हर्डल क्रिएट नहीं करना है, उनको चलाने दीजिए। आप जादू देखिए और जादू का साफ 1 करोड़ रुपया चैरिटी के लिए इकट्ठा करके रेड क्रॉस, बाल कल्याण विभाग, ब्लाइंड क्लब, रोटरी क्लब जैसी सामाजिक संस्थाओं को दे चुके हैं अपने फंड के। जोरदार तालियां देखिए, कोई स्पीड भी कम नहीं थी, पूरी स्पीड से गए हैं। इतना रिस्क लेके जोरदार तालियां। अभी आपने ये एक स्टंट देखा है, अब जितने भी स्टंट ये दिखाएंगे, जो भी जादू दिखाएंगे आपको, उसके साथ एक मैसेज देंगे आपको। जैसे आजकल होता है ना, घर में लोग आ जाते हैं, आपका सोना डबल करके देते हैं, तो अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास को आपकी आंखों से पट्टी उतार देंगे अपने कर्तव्य के साथ। एसके शर्मा साहब, अभी इनकी कुछ और आइटम है, जितनी भी आइटम ये पेश करेंगे वो सब आप लोगों के लिए एक मैसेज होगा। और बता दें, जादू इल्यूजन है, अगर समझ आ गया तो साइंस, नहीं आया तो जादू। जोरदार तालियां एसके शर्मा साहब के लिए। जोरदार तालियां। हाय, सो नेक्स्ट आइटम जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये कि लोग कहते हैं कि आज जो जमाना है साइंस का जमाना है और मैजिक कुछ पीछे छूट गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैजिक जो है वो हमेशा साइंस से एडवांस रहता है। मैंने अभी मोहतरमा की यहाँ पे बांधी है पट्टी, और मैं चाहूंगा आप अपना ध्यान थोड़ा पिछली ओर रखें, घूम जाए। और सर, मैं आपके बीच में आ रहा हूं, मेरे पास है एक ताश का पैकेट, कोई एक कार्ड मैं आपको देने वाला हूं, और उसमें कार्ड है 52, और जो कार्ड आप चूज करेंगे इन 52 कार्ड में से, उस कार्ड को मैं आपके माइंड को रीड करूंगा, अपना मैसेज कन्वे करूंगा यहां, और देखते हैं मैडम मेरे उस मैसेज को पकड़ती है, वो जो कार्ड आप सिलेक्ट करते हैं क्या बता पाते हैं। तो आइए, मैं आ रहा हूं आपके बीच में। सो सर, एक मिनट लिख कर दीजिए, ये मेरा माइक पकड़िए, माइक जाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा आप देखिए, नहीं ऐसा तो नहीं कार्ड सभी एक जैसे हो, और दूसरी बात, मैं सभी कार्ड्स को भीतर फेंकने वाला हूं, एक कार्ड में सर आपको देने वाला है, जो भी कार्ड आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, और बाकी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद क्या होता है आइए देखेंगे। सभी बैठ के देखिए ताकि पीछे वालों को भी दिखाई दे। और सर, एक कार्ड आपने लिया है, मैं नहीं जानता वो कार्ड कौन सा है, मैं चाहूंगा अपना ध्यान मेरी आंखों की ओर रखें। क्या एक मिनट के लिए चश्मा उतार सकते हैं प्लीज? प्लीज सर, कर सकते हैं। और मेरे साथ है पामी शर्मा, जो बिलोंग करते हैं आपके अपने कश्मीर से, और मेरे साथ ऑल ओवर इंडिया में शोज करने के लिए हमारे साथ होती है। लेकिन एक कला जो इन्होंने सीखी है वो ये कि एक मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूं। सो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? मैं एक कलर आपके ऊपर भेज रहा हूं, उस कलर को महसूस कीजिए, ठीक है? अगर आप पकड़ पाए तो उस कलर का नाम बोलिए। यस, कौन सा कलर महसूस कर रही है आप?
लाल कलर, क्या आपके पास लाल कलर का कार्ड है? लाल कलर में कौन सा प्रिंट होना चाहिए? एक प्रिंट मैं आपको महसूस करवा रहा हूं अपने वाइब्रेशन के साथ, महसूस कर पा रहे हैं आप? इंट, इंट का कलर है आपके पास। और फाइनली देखिए, इनके पास कलर है लाल और इंट का कलर, अब नंबर कौन सा है? फाइनली अब ये मेरा भी इम्तिहान है और आपका भी, और देखिए आप कश्मीर से संबंध रखते हैं या आपके अपने स्टेट की इज्जत बेइज्जती का सवाल भी है, पूरा कंसंट्रेशन ध्यान रखिएगा मेरी और पकड़िए मैं कौन सा मैसेज आपको कन्वे कर रहा हूं। प्लीज ध्यान से महसूस कीजिए, एक नंबर एट, ये आठ नंबर एट का है आपके पास। प्लीज प्लीज के साथ कमल शर्मा का एक बार स्वागत, तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट आइटम के लिए मैं चाहता हूँ यहाँ से मुझे दो महिलाएं चाहिए होंगी, जिनमें से एक ने किसी ने सोने का चेन गले में पहना, तो क्या आप में से किसी ने गले में सोने का चेन पहना है? हाँ जी नहीं, मुझे सोने का, मुझे चेन नहीं चाहिए, मुझे वो साथ में चाहिए चेन के साथ साथ। प्लीज प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों के साथ एक बार मैम का स्वागत हो जाए। जोरदार डबल होगा जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में मैं बेटे आप भी आइएगा, प्लीज आइए आइए, और आप दोनों का मेरे साथ स्वागत है, प्लीज आइए। जब तक स्टेज पर दोनों लोग नहीं पहुंचते प्लीज 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 तालियां बरकरार रखिए। क्योंकि जो अभी होने वाला है उसमें मुझे एक साक्षी चाहिए, तो साक्षी के लिए एक साक्षी होना बड़ा जरूरी है, और आप यहाँ है तो बहुत खुशी की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं चाहता हूँ एक बार जरा इसे देखें भाई, कोई पर्स में अगर मैं कोई चीज डालू यहाँ से निकलने का रास्ता तो नहीं? प्लीज चेक दिस, और आपके लिए भी एक चीज मेरे पास है, और वो है ये रुमाल, प्लीज चेक दिस। नहीं नहीं, अच्छा थोड़ी देर के लिए क्या आप अपना ये चेन मेरे को दे सकते हैं प्लीज? गोल्ड है, ले लीजिएगा वापस। बिल्कुल बिल्कुल, खतरा लग रहा है कुछ मुझे, तो लीजिएगा एक गोल्ड चेन, मैंने अक्सर अखबारों में पढ़ा है। एसपी साहब जाएंगे, मैंने अक्सर अखबारों में पढ़ा कि एक डोंगी बाबा एक बार एक गांव में पहुंचे और उन्होंने एक महिला से कहा भाई जो जेवर आपने पहने हैं ये जेवर अपवित्र हो चुके हैं, आप इन्हें हमें दीजिए, हम इन्हें मंत्र मार के आपको वापस करेंगे, उसके बाद आपके घर की सारी तकलीफें सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब भोली महिला बाबा के चक्कर में आ गई, अपना सोना बाबा जी को दिया, तो बाबा ने उसे एक पोटली के अंदर डाला, कुछ ऐसे राइट मैम, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक रुमाल लेके आइए। अब जो है देवी जी रुमाल लेने के लिए गई, लाइए, और रुमाल के साथ उन्होंने उस पूरे गोल्ड को कुछ ऐसा ढक दिया, ढकने के बाद वापिस किया लीजिए, और कहा इसे घर जाकर कच्चे दूध में धोकर धारण कर लीजिए, उसके बाद आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब भोली महिला घर पहुंची, पोटली खोली, देखा सारी तकलीफें दूर हो चुकी थी। हंसने की बात नहीं, एक बार आप भी अपनी पोटली चेक कर लो, आइए देखते हैं। अच्छा वो साक्षी को बोल रहे, साक्षी के पास है, आपके पास है, देख लीजिए, नहीं है तो बोले हमारे पास दुखी पकड़ी दोनों चीजें। लेकिन चलिए इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए मैं सर आपके बाजू में व्हाइट शर्ट वाले सर बैठे हुए हैं, आप दो मिनट के लिए मेरे पर तशरीफ ला सकते हैं प्लीज? जोरदार तालियों के साथ एक बार भाई साहब का स्वागत हो जाए। आइए प्लीज प्लीज सर, वेलकम वेलकम वेलकम, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? हमारे साथ है श्री राजेश चंद्र जी। राजेश जी क्या आप जेब में पर्स रखते हैं? प्लीज प्लीज गिव मी योर पर्स सर। सो मैं थोड़ी देर के लिए भाई साहब का पर्स चेक करना चाहता हूँ।
I'm very sorry to can I check this please sir? Oh, भाई साहब तो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के आपने हनुमान जी का फोटो लगा के रखा है। अच्छा देखिए आज की युवा पीढ़ी थोड़ा धार्मिक रहे तो देश हमारा कितना कहां तक कहां पहुंच जाए। बहुत अच्छी बात है सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आप अफिसर हैं, आप सभी लोग इनसे शिक्षा लीजिए और थोड़ा सा और देख लूं मैं। ओ बाप रे, थोड़ा ज्यादा ही धार्मिक लग रहे हैं। ये पीछे कुछ देवियां भी हैं, एक देवी तो है ये अपना, ये वही है ना सनी लियोन। आगे हनुमान जी पीछे सनी लियोन, व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। पर होना भी चाहिए, अगर सनी लियोन है तो फिर हनुमान जी जैसी ताकत भी चाहिए। आइए थोड़ा और चेक करते हैं। वेरी मैजिकल पोस्ट सर, आपका पोस्ट बहुत जादू है। और अरजय जी प्लीज, मैं चाहूंगा सर थोड़ी देर के लिए क्या आप इसमें से चेन निकालकर गुड़िया को दे दें, क्योंकि गुड़िया जो है वो साक्षी है। आपका चेन मिल गया, चिंता वाली कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। क्या सुमिस्टर जी, आप अपना राहु चेक करवाए, आपका राहु थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। जब राहु गर्दिश में होता है तो सोना बार बार गुम होता है। खैर अभी चाहेंगे आपका चेन हम नहीं लौटा सके, बाकी भाई साहब आपके साथ है, इनको दिया था इनसे ले लीजिएगा हिसाब राह। इन्होंने ही आपका नाम सजेस्ट किया था कि आप है। कह रहे हो सर इसमें से एक नोट दे सकते हैं मुझे। आइए थोड़ा खेल को आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहता हूँ खेल की बरीकी को देखिएगा। एक नोट मैं रजेश जी से लेना चाहता हूँ प्लीज सर। और मुझे दिया गया है एक 2000 का नोट, तो आइए इस नोट से करते हैं एक मैजिक। अपना पूरा ध्यान मेरे हाथों की ओर रखिएगा और मैं इसे बेहद स्लो करने वाला हूं। वॉच एंड विटनेस वेरी केयरफुल प्लीज। अच्छा आपने सर, आप सभी गवाह हैं, भाई साहब ने कहा कि 4000 की दे दो सर जी, ठीक है अजी ठीक है, तो खूब मारियर ले लीजिए, ले लो। करने क्या है मुझे बताइए, 1000 का क्या करना है? ये लालच का चक्कर ऐसा होता है कोई भी चक्कर में आ जाता है। अभी 1000 के 4 के चक्कर में आ गए, लेकिन 1000 तो सर बंद हो गए हैं। मुश्किल है बहुत, लेकिन एक काम सर हम करेंगे, ये पर्स दीजिए। मैं चाहता हूँ इस पर्स को एक बार फिर से चेक करें, और अब आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि एक 2000 का नोट कहीं गायब हो गया और एक पर्स चेक कर रहे हैं सर अपने हाथों से, राइट सर? और मैं चाहता हूँ इसको उल्टा भी घुमा दीजिए सर, राइट सर प्लीज। और बिल्कुल नजदीक से आप मेरे दोनों हाथों को अच्छी तरह से देखें, राइट सर? अब लीजिए
दिया कि अगर राजेश जी के पास 2000 का नोट ना होता तो चेन का मिलना मुश्किल हो सकता है। आपने मिस्टेक की है, फिलहाल चेन दीजिए एक बार वापस दे देंगे अभी आप। आपने गलती की, आपको सजा मिलेगी, और आपके लिए हमारे पास एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में डाली जाती है खूबसूरत चीज। ये तलवार है, तलवार लग जाए तो खून निकलता है, और ये गोल चीज देख रहे हैं आप, ये मैं डाली जाती है गर्दन का। हाँ, ये मैं गर्दन डालने के बाद तलवार को 3 बार आप बच जाए तो आपकी किस्मत, नहीं तो प्लीज होल्ड फॉर दिस प्लीज। Look at my eyes. Check your eyes.